सफल रहा है और हालांकि आज जो एक्यूआई है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कल से भी ज़्यादा इम्प्रूव एक्यूआई है। 3 बजे का डेटा लेटेस्ट मेरे पास में है, 2.58 रहा जो कि मतलब बहुत ही इम्प्रूव क्वालिटी में है। PM10 139 अगेन वेरी मच इम्प्रूव क्वालिटी अगर देखें तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। जो सबसे एक तरह से दिख रहा है कि अभी जो दिल्ली पे धुएं का जो संकट था वो तो ऑलमोस्ट नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी हम नज़र भी रखे हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हैं वो मेट के संपर्क में भी हैं कि कुछ और डिस्टर्बेंस अगर बने और फिर आई एम श्योर कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरियाणा पंजाब में भी कुछ जलने की घटनाओं में तो कमी हुई होगी, बंद हुई होगी, तो फ्रेश धुआं नहीं आएगा ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और फिर भी हम सारा मौसम पे भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। ओवरऑल अगर देखें ऑडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा दिल्ली बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही है। कल भी मैंने बताया था कि कल लगभग 192 चालान थे दोपहर तक, आज दोपहर तक पूरे चालान संख्या बढ़ी है इन ए सेंस की कल बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया गया था कि ऑडियन शुरू हो गया तो आप ऑडियन फॉलो करें, उनको चालान नहीं किया गया। आज काफ़ी लोगों को चालान किया गया तो आज 384 चालान दोपहर तक कटे हैं, 384। सो दैट्स इट, इतना अपडेट था। आई होप ये इसी तरह से 10 दिन तक सक्सेसफुल रहेगा। ट्रैफिक को लेकर बहुत खुश हैं लोग, ट्रैफिक सड़कों पर जो कमी आई है उसकी वजह से डेस्टिनेशन में पहुँचना इतना फास्ट हो गया है कि लोगों को लग रहा है आधी समस्या तो इसी से दूर हो गई कि पॉल्यूशन, क्योंकि एक गाड़ी जो 1 घंटे में पहुँचाती थी वो 12 घंटे में पहुँचा देती है। तो जो ऑफ रोड है वो तो नहीं है, लेकिन जो ऑन रोड व्हीकल हैं जैसे आज ऑड नंबर के व्हीकल्स ऑन रोड है, लेकिन उनका भी कम्यूटिंग टाइम इतना कम हो गया है कि एज कम्पेयर टू रेगुलर, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन में कमी है। थोड़ा देखिए पूरी की पूरी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट है। एक तरफ वकील हैं जो जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करते हैं, एक तरफ पुलिस है जो आम आदमी को सिक्योरिटी देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। ये दोनों आम आदमी के इर्द गिर्द खड़े हुए वो लोग हैं जिन पर आम आदमी कॉन्फिडेंस बना के रखता है। तो इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या वायलेंस की स्थिति हो इस पर इसको तो बहुत समय रहते अवॉइड कराना चाहिए था, ठीक से हैंडल करना चाहिए था। मतलब हम चाहते हैं कि इसका तुरंत समाधान निकले और किसी भी तरह की वायलेंस ना हो। सर एक सवाल है कि जो प्राइवेट बस हायर किए गए थे उनको लेकर